तो पिछले लेक्चर्स में हमने आपसे बात किया था लाइटनिंग सिस्टम की, इलेक्ट्रिकल सिस्टम की, और हमने ये कहा भी था कि आपसे कि जब हम अगली बार बताएंगे तो आपको हम एमिशन कंट्रोल से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे कि जो एग्जास्ट सिस्टम है वो किस तरीके से बनाया जाता है और पोल्यूशन से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं, कौन कौन से रेगुलेशंस आए हैं। इधर आगे के 2-3 लेक्चर्स में हम यही बात करेंगे। तो कुल मिलाकर के अब ये एग्जास्ट वाला जो पार्ट है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब देखिए, जो एमिशन होता है, एमिशन का जो मेन रीज़न होता है वो क्या होता है, इसके बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं कि जो एमिशन का मेन रीज़न होता है वो इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल होता है। अगर फ्यूल जो है वो पूरी तरीके से बर्न नहीं कर पाता सिलेंडर के अंदर, तो उस केस में क्या होता है, वहाँ पर एमिशंस प्रोड्यूस होते हैं। और ये जो एमिशन होते हैं ये हार्मफुल एमिशंस हैं, हम अभी उन सब के बारे में भी बात करेंगे। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो इनकम्प्लीट बर्निंग होती है वो क्यों होती है। वो इस कारण से होती है कि प्रॉपर प्रेशर डिफरेंस ना मेंटेन होना, हाई प्रेशर पर अगर नहीं इंजेक्ट किया जाएगा फ्यूल को तो उस केस में एटमाइजेशन हाई नहीं हो पाएगा। हाई एटमाइजेशन नहीं हो जाने से जो फ्यूल की बर्निंग होगी वो इनकम्प्लीट होगी। दूसरी बात कि फ्यूल जो है कम्प्लीटली एयर के साथ मिक्स नहीं हो पाता जब वो सिलेंडर के अंदर जाता है, तो वहाँ पर भी जो है वो बर्निंग इनकम्प्लीट ही रहती है। तो ये सब बेसिक रीजंस हैं जिसको आपको बताया भी है पहले भी। तो ये सारे कारण हैं। अब इसमें एमिट क्या क्या होता है, जब एयर फ्यूल मिक्सचर जो होता है वो सही नहीं होता, उसी के कारण से ये ऐसी बर्निंग, इस तरीके से इनकम्प्लीट बर्निंग होती है। और उसमें जो होता है ज़्यादातर कार्बन मोनोऑक्साइड्स एमिट होती हैं, हाइड्रोकार्बन से एमिट होते हैं, और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जिनको हम नॉक्स के फॉर्म में लिखते हैं, कि मतलब इसमें नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड हैं उनको हम एक साथ नॉक्स कह करके कवर कर लेते हैं। इसमें NO भी आ गया, NO2 भी आ गया, NO3 भी आ गया, ये सब सारी चीज़ें इसके अंदर, तो ये सब भी एमिट होते हैं। ज़्यादातर जब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स जो एमिट होते हैं वो जब रिच मिक्सचर होता है तब इनका एमिशन होता है, और जब लीन मिक्सचर होता है तो उस केस में जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं वो एमिट होते हैं। तो इन दोनों की जो कंडीशंस होती है जस्ट अलग अलग होती है, आप देख रहे हैं बिल्कुल अपोजिट है। क्यों ऐसा होता है, ज़्यादातर जितने पुराने इंजन हैं उनमें होता है, इसीलिए गवर्नमेंट कहती है भाई जितने भी पुराने इंजन हैं उनको बदल दो, नए इंजन लाओ, नए नए मॉडिफाइड इंजन जो आ रहे हैं उनमें इसका ध्यान रखा जा रहा है कि एमिशंस जो हैं वो ज़्यादा इस तरीके के ना हो, हार्मफुल एमिशंस जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हों। अलग अलग यूरो नॉर्म्स बने हैं, यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, यूरो 3, यूरो 4, यूरो 5, यूरो 5, यूरो 6, ये सब अभी हम आगे यूरो के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। गाड़ी की अच्छी मेंटेनेंस नहीं है तो वहाँ पर भी ऐसा होता है, पुअर मेंटेनेंस के कारण भी नॉक्स एमिशन ज़्यादा होता है। ओल्ड डिज़ाइन, वही बताया कि अगर आप गाड़ी नई ले रहे हैं, अच्छी गाड़ी ले रहे हैं, तो उस केस में पावर इज़ टू वेट रेशियो बढ़ा हुआ होता है, फ्यूल एफिशिएंसी उसकी अच्छी होती है, तो अच्छी डिज़ाइन होती है उसकी, इसकी वजह से जो है वहाँ पर एमिशन कम होगा। लेकिन ओल्ड डिज़ाइन होगी तो पुराने समय में इतना ज़्यादा एमिशन कंट्रोल के बारे में ध्यान नहीं रखते थे जब इंजन को डिज़ाइन करते थे, तो वो ओल्ड डिज़ाइन में वो इस तरीके से आ जाता। और ऑपरेटिंग कंडीशन, ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि जो चलाने वाला है वो किस तरीके से चला रहा है और जो ऑपरेटिंग कंडीशंस हैं वो क्या क्या। तो ये हम बता रहे थे कि जो ऑपरेटिंग कंडीशन होती है ना, तो ऑपरेटिंग कंडीशन में जो है उसकी वजह से भी ये डिपेंड करता है इस पर भी। तो एमिशन कंट्रोल जो SI सिस्टम है, आइए कुछ उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि अब SI सिस्टम का ही सबसे पहले हम जो है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है प्रचलन में यही है। तो कैसे हम करेंगे एमिशन कंट्रोल, बाय मॉडिफिकेशन इन इंजन डिज़ाइन। इंजन डिज़ाइन में जो है हम
मॉडिफिकेशन कर देते हैं और उसके जो ऑपरेटिंग पैरामीटर्स हैं उसको चेंज कर देते हैं। बहुत सारी डिज़ाइन में जो है चेंजेस लाए गए और इस पर बहुत सारी रिसर्चेस चल भी रही हैं। इसमें कर क्या रहे हैं कि सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो को जो है, जो कम्बशन चैम्बर है उसका सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम कम कर रहे हैं, तो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो जो है हम उसको जो है बढ़ा रहे हैं ये पैरामीटर। साथ में जो सिलेंडर का जो हेड है उसकी डिज़ाइन को इम्प्रूव कर रहे हैं, उसमें यहाँ नहीं लिखा है हमने, और उसकी डिज़ाइन भी जो है ओमेगा शेप में थोड़ा सा उसको इम्प्रूव की जा रही है, ऑप्टिमाइज़ की जा रही है। जो कंप्रेशन रेशियो है उसको जो है लोअर कर रहे हैं, क्योंकि उस केस में फिर जो है नॉक्स एमिशन कम होगा। और जो इंडक्शन सिस्टम है उसको मॉडिफाई कर रहे हैं हम लोग, है ना, क्योंकि उस केस में फिर हमको अच्छा एग्जैक्ट एयर फ्यूल रेशियो मिलेगा। वैसे तो अब जो कंट्रोल होने लगे हैं वो सब कंप्यूटर कंट्रोल हैं, सब सीपीयू के समय के साथ मॉनिटर होते हैं, लेकिन फिर भी उसको जो है अभी भी और भी उसकी ज़रूरत है और उसको और भी मॉडिफाई किया जा रहा है। जहाँ जहाँ कमियाँ हैं उसको हम लोग उसको ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं। फिर क्या हो रहा है, जो ट्रीटमेंट ऑफ एग्जॉस्ट प्रोडक्ट ऑफ कंबशन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वो तो खैर है ही है, तो उसमें तो इंजन के बारे में है, वो आईसी इंजन जब डिटेल कोर्स होता है जहाँ पर आईसी इंजन सीआई इंजन के बारे में आप लोग पढ़ते हैं तो वहाँ बताया भी गया होगा आपको। अब ये जो एग्जॉस्ट प्रोडक्ट है उसका कंबशन किस तरीके, क्योंकि अब जब एग्जॉस्ट में जा रही है अनबर्न्ड गैसेस या अनबर्न्ड फ्यूल, तो उसको भी हम अगर चाहते हैं कि कंबशन उसका कर दें ताकि वो जो है वो एटमॉस्फेयर में जब जाए तो स्टेबल प्रोडक्ट के फॉर्म में जाए, या जो ऐसे प्रोडक्ट के फॉर्म में जाए, ऐसे कंपोनेंट के फॉर्म में जाए, ऐसे कंपाउंड के फॉर्म में जाए जो हार्मफुल नहीं होते हैं। तो उसके लिए हम करते क्या हैं कि जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं उनको हम एयर की प्रेजेंस में बर्न कराते हैं इन द इनसाइड द एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। तो जो एग्जॉस्ट गैसेस आर बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इनसाइड द एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, तो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के अंदर जो है उनको हम बर्न करा देते हैं। फिर कह रहा है यूज ऑफ एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड रिएक्टर, इसका काम वही होता है कि हम एक रिएक्टर के अंदर जो है ये यूज़ करके और ये सारा काम करते हैं। उसके साथ जो है अब यही एग्जॉस्ट सिस्टम में ही बता रहा है कि हम कैटालिटिक कन्वर्टर यूज़ कर लें, वही एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड इसी का बनाया जाता है। तो कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है, कैटालिटिक कन्वर्टर जो होता है ये जो व्हीकल का एग्जॉस्ट होता है उसी में लगाया जाता है, कैटालिटिक कन्वर्टर। अब कैटालिटिक कन्वर्टर करता क्या क्या है, ये जो होता है ये हाइड्रोकार्बन्स और कार्बन मोनोऑक्साइड, जितने हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सबको ऑक्सीडाइजिंग कैटालिस्ट होता है, उनके साथ जो है ये क्या कर देता है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है, ना कि रिड्यूस, ये ऑक्सीडाइज कर देता है। और जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, है ना, उनको रिड्यूस कर देता है, ये उनके माध्यम से इनको जो है ये रिड्यूस कर देता है। जैसे ये जो होता है ये नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया या नॉक्स जितने भी हो गए, उनको जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट्स जो भी इसके अंदर ज़्यादातर रिड्यूसिंग एजेंट जो यूज़ किए जाते हैं वो कौन से होते हैं, रोडियम होता है, रोडियम को यूज़ करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके से। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं, जो ऑक्सीडाइज करने के लिए यूज़ होते हैं, है ना, तो उनसे क्या करते हैं, जैसे अभी इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे, इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे, तो ये जो है जो हार्मफुल प्रोडक्ट है वो नहीं होगा, अब यहाँ पर आगे जो आएगा एग्जॉस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, इससे ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा जो हार्म नहीं पहुँचाता है, मीथेन टाइप का बन जाएगा या कुछ और बन जाएगा, CH4 या कुछ। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो उसमें यूज़ होते हैं वो प्लेटिनम हो गया, वैनेडियम हो गया, आयरन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड तो खैर ही है उसमें जो कुछ भी है, तो और कोबाल्ट निकल, सॉरी ये कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट निकल क्रोमियम ये सब भी यूज़ होते हैं, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। तो इनको अलग अलग जगह भर दिया जाता है उसके अंदर, रिड्यूसिंग एजेंट को और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। अब कैटालिस्ट जो एक अच्छा कैटालिस्ट होना चाहिए, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, कैसे पहचानेंगे कि एक अच्छा कैटालिस्ट है, या एक अच्छे कैटालिस्ट की पहचान क्या होती है, सरफेस एरिया उसका हाई होता है, हाई सरफेस एरिया होगा
तो उसके ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो रिएक्ट कर सकेंगे और इंट्रैक्ट कर सकेंगे, जो एग्जॉस्ट चैम्बर होगा उसके अंदर जो एग्जॉस्ट गैसेस जाएंगी। केमिकल स्टेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी केमिकल स्टेबिलिटी होगी तो बहुत दिन तक वो जो है वो अपना काम, जो उसका काम है करने का, चाहे ऑक्सीडाइज करने का काम है या रिड्यूस करने का काम है, वो काम बहुत दिन तक वो करता रहेगा। और क्या होना चाहिए, उसकी फिजिकल ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए अच्छी, कि मतलब वो जो है वो जिसका जो जिस जिस तरीके का है वो ऐसा दिखाई पड़े, ऐसा ना हो कि वो किसी दूसरे प्रोडक्ट में चेंज हो जाए या किसी दूसरे तरीके का कंपाउंड बना ले, वो जैसा जो अपीयरेंस उसकी थी शुरू की वही अपीयरेंस लास्ट तक रहे, ऐसा होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर एक हम दिखाएँ, ये बनाया गया है, ये तो इसमें जो है देखिए ये चैम्बर में लगा हुआ है, ये यहाँ पर देखिए ये एक इस चैम्बर के अंदर दो सेक्शन बनाए गए हैं। एक सेक्शन है जो ये वाला देख रहे हैं आप, इसके अंदर जो है रिड्यूसिंग एलिमेंट्स डाल दिए गए, ये रोडियम टाइप का जो है डाल दिया गया, इसके अंदर भर दिया गया इस सेक्शन में। ये पोरस है, ये यहाँ से जो एयर जाएगी या जो एग्जॉस्ट जाएगा वो इधर से इधर निकलेगा, तो क्योंकि प्रेशर डिफरेंस होगा, यहाँ हाई प्रेशर होगा यहाँ लो प्रेशर होगा, तो इस तरीके से जाएगा। और यहाँ पर जो है ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट भर दिया जाता है, प्लेटिनम भर दिया गया या निकल भर दिया गया, कोबाल्ट भर दिया गया, क्रोमियम भर दिया गया, इसको भर दिया जाता है। तो जो जिसको रिड्यूस होना है वो इस एलिमेंट के साथ मिलकर के रिड्यूस हो गया, और जिसको ऑक्सीडाइज होना है वो उसके साथ मिलकर के ऑक्सीडाइज हो गया और निकल गया बाहर। ये एक स्टेबल फॉर्म में जो है ये निकल गया बाहर, जो एनवायरनमेंट के लिए सेफ है। तो इस तरीके से ये बनाया जाता है। इसकी ड्रॉबैक जो होती है ज़्यादातर होता ये है कि जो रिड्यूसिंग एलिमेंट होते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट होते हैं, इनके साथ जब केमिकल रिएक्शन होती है एग्जॉस्ट प्रोडक्ट की, तो वो जो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन सबको पता ही है आप लोगों को इसके बारे में कि जब ये रिएक्शन होती है तो उसके इसमें हीट इवॉल्व होती है, तो अब एक्स्ट्रा हीट और ज़्यादा यहाँ पर इवॉल्व हो जाती है। तो ये जो एग्जॉस्ट वाला जो चैम्बर होता है वो बहुत गर्म हो जाता है। अगर लेडेड फ्यूल है उसके अंदर लेड की मात्रा ज़्यादा है तो वो जो कैटालिटिक एक्टिविटी है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है। लेड जो होता है, अगर फ्यूल के अंदर लेड की मात्रा ज़्यादा है तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है ये काम ही नहीं करेंगे, उसके ऊपर लेयर बना लेगा वो और ये ख़त्म हो जाएंगे, कि इनकी जो प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाती है टोटली। सल्फर जो अगर फ्यूल के अंदर मिला होता है, देखिए फ्यूल के अंदर दो सबसे ज़्यादा जो हार्मफुल प्रोडक्ट मिले हुए होते हैं वो लेड होता है और सल्फर। तो अगर सल्फर मिला हुआ है तो वो क्या करता है, सल्फर जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ मिलकर के सल्फर ट्राईऑक्साइड बना लेता है और ये ज़्यादा हार्मफुल होता है। ये पता चला कि हम जिस चीज़ के लिए व्यवस्था किए थे वो वही ज़्यादा, वही हम चाहते थे कि जो हार्मफुल गैसें ना एग्जिट हों, हार्मफुल गैसें और ज़्यादा एग्जिट होने लग गई। इसी से हमने जो है एक थ्री वे कैटालिटिक कन्वर्टर सिस्टम को भी बनाया है। इसकी बड़ी हाई डिमांड है और ये काफ़ी जगहों पर यूज़ किया जाता है, जहाँ मोस्टली जितनी भी व्हीकल्स हैं वो इसी का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। आप इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, ये यहाँ पर लगा हुआ होता है, बहुत हाई डिमांड इसकी है इसकी और कई जगहों पर यूज़ होता है। क्या होता है ये जो ये थ्री वे कैटालिटिक कन्वर्टर, नाम जैसा इसका दिख रहा है, तो ये तीन चीज़ों को, अब आपको वही बताया शुरू में भी, नॉक्स को बाई रिडक्शन और कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन हाइड्रोकार्बन्स को बाई ऑक्सीडेशन ये रिमूव करता है। ये तीन पोल्यूटेंट्स हैं, इनको ये रिमूव करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनफ रिड्यूसिंग गैस एंड ऑक्सीजन। तो रिड्यूसिंग गैस और ऑक्सीजन के साथ के प्रेजेंस में जो होता है ये इसको रिमूव कर देता है। जैसे ये इसमें चैम्बर बना हुआ है आप देख रहे हैं, ज़्यादातर इसमें एलुमिना यूज़ होता है, Al2O3, जो इम्प्रिग्नेटेड होता है विद मेटल कैटालिस्ट, जो मेटल कैटालिस्ट है उसके साथ इम्प्रिग्नेटेड होता है। इसके अंदर अलग अलग चैम्बर्स देख रहे हैं, सब पोरस चैम्बर है, इसी के अंदर ये भरा हुआ है। अब देखिए जब नॉक्स और हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड जब इसके थ्रू से पास होंगी तो उस केस में स्टेबल गैसेज यहाँ से निकलेगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये नाइट्रोजन है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती एनवायरनमेंट में, साथ जानते ही सबसे ज़्यादा इसी की प्रेजेंस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये वैसे ये भी बहुत उतना ज़्यादा हार्मफुल तो नहीं है, तो ये भले ही ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है थोड़ा सा जो है उस केस में वहाँ पर जो है आती है ये, लेकिन और
आप देखते हैं कि जब साइलेंसर से पानी गिरा करता वो इसी के कारण से गिरता है। यहाँ पर देखते हैं कभी कभी वहाँ साइलेंसर से जो है बूंद बूंद करके पानी गिरता है, वो ऐसा इसी कारण कॉस्टली होता है थोड़ा सा, लेकिन ये होता है कि इसकी जो क्षमता होती है बहुत ज़्यादा होती है और बहुत अच्छे तरीके से ये वर्क करता है। तो समझते हैं कि आपको ये बात आ गई होगी कि जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनका क्या काम होता है। ये काम जो होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज करते हैं, ना कि रिड्यूस करते हैं। ये क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं, ये ऑक्सीडाइज करते हैं। तो अब आपको ये चीज़ समझ में अच्छे से आ गई। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।